प्रां प्रीं प्रों सह सनिश्राय नमः। ओम निरांजन समाभासम रविपुत्रमाग्रम झायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनै शरम। जय शनिदेव। शनिदेव 23 मई से 141 दिन तक चलेंगे उल्टी चाल। इस समय क्या करना चाहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, हमेशा न्याय करते हैं, इसलिए अच्छा काम करें, नेक काम करें, बढ़िया काम करें, शनिदेव आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। जैसे कि हमने बताया आपको कि न्याय के देवता शनिदेव 23 मार्च को वक्री होंगे। वक्री का अर्थ ये होता है उनकी चाल उल्टी चाल से वो चलेंगे। खास बात यह है कि 141 दिन तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। करीब 5 माह तक विभिन्न राशियों के जातकों पर अच्छा बुरा प्रभाव डालेंगे। जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में, उन्हें व्यापार उद्योग आदि में लाभ देंगे। जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी अथवा ढैया समाप्त होने वाला है, उनके रुके काम भी पूरे होने लगेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिस किसी की भी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो, वे हनुमान चालीसा पढ़ें, वृद्धजनों रोगी की सेवा करें, असहाय और दिव्यांगों को अन्नदान करें। कभी अनिष्ट नहीं होगा, कभी अकल्याण नहीं होगा। 23 मई 2:30 में शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में शनिदेव खुद पीड़ित हो जाते हैं, अशुभ फल कम ही देते हैं। करीब 5 महीने तक उल्टी चाल चलने के बाद 11 अक्टूबर को शनि फिर से मार्गी होंगे। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गतिशील रहते हैं, इस वजह से इस साल शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अभी शनिदेव स्वयं मकर राशि में हैं। अपनी ही राशि में वक्री होने से साढ़े साथी और ढैया वाले जातकों को अधिक परिश्रम करने से ही अच्छे फल मिलते हैं। वर्तमान में मिथुन तुला धनु मकर एवं कुंभ राशि वालों को सावधान रहना होगा। अब आपको हम बताते हैं कि राशि के अनुसार क्या क्या लाभ मिल सकता है। मेष, दशम भाव का वक्री शनिदेव प्रदति दिलाएगा। वृषभ, भाग स्थान में होने से शनि रुके काम पूरे कराएंगे। मिथुन, मिथुन राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा, संतान सुख है, शारीरिक कष्ट जरूर है। कर्क, स्थानांतरण के योग बनते हैं। सिंह, आर्थिक लाभ मिलेगा। कन्या, संपत्ति में बढ़ोतरी। तुला, निवेश सोच समझ कर करें, मतलब जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हैं सोच समझ कर लगाएं। शेयर मार्केट है और कहीं की भी स्थितियां, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अच्छी नहीं है, बहुत सोच विचार कर करें। वृश्चिक, विवाह के योग बनेंगे। धनु, नौकरी व व्यवसाय में परिवर्तन की संभावना है। मकर, सेहत का ध्यान रखें, मतलब क्योंकि खान पान का ध्यान रखें। कुंभ, व्यय अधिक होगा। मीन, धन वृद्धि यात्राएं होंगी। शनि भगवान आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।